आशु शर्मा है हमारे साथ एटा उत्तर प्रदेश से। आशु, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी सर। जी नमस्कार सर, मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर है 282 की रेट पे, 1000 शेयर। ओके, तीन महीने सर मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक रहेगा क्या रखना? अभी तो नुकसान हो रहा है सर जी, 3 महीने में इनका नुकसान खत्म होके प्रॉफिट होगा क्या? देखिए, थोड़ा आई थिंक काफी मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन कर चुका है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा डाउनसाइड तो फिलहाल ऑनेस्टली नहीं लग रही है। लग रहा है कि जो एरियाज रहे 255 260 के आसपास वहां सपोर्ट्स आ गए हैं, तो उन्हीं जोन्स के आसपास है। तो विदिन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप, विदिन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेंज, आई थिंक लोएस्ट रिस्क रिवॉर्ड पे है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, उछालों में भाव तो इनका डेफिनेटली आ सकता है, थोड़ा पैसे भी बन सकते हैं। आई थिंक जो मुझे इमीडिएटली 1 से 3 महीने के लिए ऊपर के में अपसाइड टारगेट्स दिख रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि नीचे में 350 का सपोर्ट है, तो मैं बोलता हूँ ऊपर में 320 325 की जगह भी है। तो आई थिंक 260 से लेके 325 की रेंज है, और 1 से 3 महीने में अगर ऊपर की तरफ गया तो इनको थोड़े पैसे भी बन सकते हैं। होल्ड करिए, इसमें पैसा बन सकता है, लेकिन पेशेंस रखिए, और जब वो आए टारगेट तो चाहे तो खुद फैसला ले लीजिए, या एक बार हम लोगों से दोबारा पूछ लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, एक क्विक सवाल दे दिए, साउथ इंडियन बैंक के मेघा ने 34,000 शेयर ले रखे हैं 19 रुपये पर, बेच दें, होल्ड करें और खरीद लें 6 महीने के लिए? देखिए, जब 6 महीने का व्यू दे दिया है तो आई थिंक फिलहाल तो बने रहें। देखिए, अभी तो ओवरऑल मोमेंटम में है, स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में है, चल रहा है, तो जब तक चल रहा है तो उसको मौका दें चलने का, जो क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी कर लिया है, प्रॉफिट में भी है। तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें यहाँ पे। मुझे जो अभी इनके लिए इस करंट सिचुएशन में जो ठीक ठाक लेवल्स लग रहे हैं, वो तकरीबन मुझे लग रहा है 20 रुपए के आसपास हैं। तो 1980 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। और ऊपर में मुझे लगता है कि अगर 6 महीने का इनके पास होराइजन है तो 28-29 रुपए के भी भाव यहाँ पे पुलबैक में आ सकते हैं। 28-29 रुपए के लक्ष्य आ सकते हैं अगर आपका 6 मंथ का होराइजन है तो। इंडस साउथ इंडियन बैंक में ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सरवीन जी, आज समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चर्चा करने के लिए और दर्शकों की बहुत बहुत धन्यवाद मदद करने के लिए। और मार्केट इस समय बिल्कुल जो है फ्लैट कह सकते हैं आप, 7-8 पॉइंट ऊपर नीचे होते हुए दिख रहा है। 19,826 पर निफ्टी ट्रेड कर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।